10 दिन पहले सरकार बताती है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, हम करा रहे हैं एग्जामिनेशन सितंबर में, और बहुत सारे बच्चों की उम्मीद टूट जाती है। और जिनको लग रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा इसलिए वो कुछ पढ़ भी नहीं रहे थे, उन्हें 10 दिन के अंदर सारा सिलेबस खत्म करना था, पढ़ना था, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी थी। जय कोरोना दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन कंडेला और मैं आज इस एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। जय कोरोना आपने सुना हो चाहे नहीं सुना हो, मैंने अपने दोस्तों से और स्टूडेंट से बहुत सुना है और उन्होंने कहा है कि इसी की वजह से हमारे स्कूल वगैरह बंद हो रहे हैं और वो चिल मार रहे हैं। चलो जानते हैं कितना सही है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हमारे ऊपर ऐसा डाल दिया गया भाई साहब जैसे क्या कही, हमारा रोज का काम है ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों को 1 घंटा स्क्रीन देखते रहना पड़ता है और टीचर्स को बच्चों को बिठा के रखना पड़ता है कि जिससे वो बात हमारी सुने, तब भी ना बच्चे पढ़ रहे हैं और ना टीचर्स पढ़ा पा रहे हैं, हो क्या रहा है। चलो इसके बारे में जानते हैं अभी। तो हमें इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझनी पड़ेगी 2020 में। तो जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो लोगों को लगा कि ये कुछ वीक्स तक की कहानी चलेगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, पढ़ाई और एम्प्लॉयज़ वगैरह भी काम करने लग जाएंगे। पर कोरोना के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे इंडिया में, लॉकडाउन एक्सटेंड होता चला गया। कंपनीज ने तो एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि तुम्हें घर से ही काम करना पड़ेगा ऑनलाइन अगर पॉसिबल है तो, और नहीं तो जॉब से निकाल दिया। और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी अब ऑनलाइन शिफ्ट होना था, पर स्टूडेंट को ये पता नहीं था। साथ ही साथ प्रमोशंस भी हो रहे थे क्लास में, मतलब स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो रहे थे और बोर्ड भी पोस्टपोन हो रहे थे, पर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी पोस्टपोन से रिलेटेड। पर भगवान ने उनकी सुन ली और एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया जून में। जो अप्रैल में एग्जामिनेशन होने थे वो जेई मेंस की अगर बात करें तो अप्रैल में जो एग्जामिनेशन होने वाले थे वो 1-2 महीने डिले कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए और स्टूडेंट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आने लगा धीरे धीरे। तो पोस्टपोन होने के बाद स्टूडेंट चले गए चिल मोड में, मतलब उनको अभी कुछ करना नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन अभी स्टार्ट होने ही वाली थी क्योंकि वो कब तक प्रमोशन करते रहेंगी, सरकार कब तक प्रमोशन कराती रहेगी आपका, 12th तक कराएगी, उसके बाद तो कंपटीशन देना ही होगा या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल में एग्जामिनेशन पर पास एंट्रेंस एग्जाम में बैठना ही होगा। तो वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन आता है, और ऑनलाइन एजुकेशन क्या था मैं बता नहीं सकता। बच्चे को स्क्रीन के सामने बैठना है, टीचर्स बोलेगा, उसको समझना है, लिखना भी है जैसे क्लास में होता था। सुनने में बहुत ईजी लग रहा है पर बच्चों का स्पेंड टाइम इतना कम हो चुका है कि स्क्रीन के सामने इतनी देर तक बैठना और किसी ऐसी जगह पर, मतलब जहाँ पर वो बैठना नहीं चाह रहा है वहाँ पर उनको बैठने के लिए फोर्स करना बहुत मुश्किल। तो 1 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना और इन्फॉर्मेशन निकालना और बच्चों को बिठा के रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा फेलियर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल स्टूडेंट के नुकसान को लिस्ट करूँ ऑनलाइन एजुकेशन के चलते, तो पहला जो नुकसान हुआ है, अब स्टूडेंट का जो शेड्यूल है वो ख़राब हो चुका है। मतलब उन्हें पहले 9 से 1-2 बजे तक स्कूल में बैठना होता था, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस, उसके बाद उसको रेगुलरली होमवर्क दिया जाता था ख़त्म करने के लिए। पर अभी तक अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि अब कितना ही कर सकते हैं स्टूडेंट को फोर्स करने के लिए, पेरेंट्स घर पे वो अपने काम पे बिजी हुए हैं और जो टीचर्स कर सकता है ऑनलाइन वो डांट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम ना करने के लिए वो डांट सकता है। पर दैट से उसके अलावा अब काम करना या ना करना स्टूडेंट के हाथ में आ गया है। दूसरा जो है वो डिसिप्लिन और एंड स्टडीज़, वो बिल्कुल ऐसी की तैसी हो चुकी है उसकी। जो तीसरा है वो है मेंटल हेल्थ के लेकर, मेंटल हेल्थ के लिए अगर बात करें तो अब स्टूडेंट को कमरे में बंद सा फील होता है, पूरे दिन एक कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, क्लासेस लेते रहो, सुनते रहो टीचर्स की और नोट करते रहो, कमरे में पूरे दिन बैठ के नहीं काम करना है, बुक्स आपके पास रहेंगी, सारा मटेरियल आपको कमरे के अंदर ही मिल जाएगा, बंद सी फीलिंग आती है। चौथा है कोई फन एक्टिविटीज़ नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं, कोई प्रैक्टिकल लैब कंप्यूटर क्लास या फिर म्यूजिक क्लासेस, ऐसी कोई क्लासेस अब नहीं है जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी, जो कि एक कहते हैं माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करती है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, वो नहीं है। पाँचवा है टाइम वेस्टिंग कंटेंट हमें मिलता जा रहा है नेट पे, जैसे YouTube पे ही बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिसमें आप स्क्रॉल करते रहेंगे, या फिर YouTube पे ही ऐसी बहुत सारी कंटेंट है जो कि आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट वहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं स्टडी को छोड़कर। कुछ फ़ायदे भी हुए हैं लॉकडाउन में या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ के चलते, पर वो फ़ायदे मुझे बहुत कम लगे हैं एज़ कम्पेयर टू नुकसान। वो ये है कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना ना करना वो स्टूडेंट के हाथ में है, जब तक अगर वो डिस्ट्रैक्शन वगैरह से बच जाता है। तो ओवरऑल नुकसान स्टूडेंट का ही हुआ है क्योंकि बच्चे पढ़ना कम कर रहे हैं पर एग्जामिनेशन का टफनेस लेवल कम नहीं हो रहा है। अगर बोर्ड्स की बात करें सिलेबस रिडक्शन तो हो रहा है पर उसी कम सिलेबस में अब ज़्यादा टफ पेपर बन रहा है। पर नुकसान तो स्टूडेंट का ही है ना, अगर पोस्टपोन होते हैं एग्जामिनेशन तो कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ जाता है, जो पढ़ने वाला वो ज़्यादा पड़ेगा और जो ना पढ़ने वाला है वो और कम पड़ेगा, वो स्टूडेंट का नुकसान है। साथ ही साथ सितंबर में जब अटेम्प्ट, तो बहुत सारे बच्चों को इस बात की उम्मीद थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा,
10 दिन पहले सरकार बताती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, हम करा रहे हैं एग्जामिनेशन सितंबर में, और बहुत सारे बच्चों की उम्मीद टूट जाती है, और जिनको लग रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा इसलिए वो कुछ पढ़ भी नहीं रहे थे, उन्हें 10 दिन के अंदर सारा सिलेबस खत्म करना था, पढ़ना था, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी थी। धुरंधर से धुरंधर बच्चा भी हो सकता है, तो वो 10 दिन के अंदर सारा सिलेबस उस एफिशिएंसी के साथ, जिस एफिशिएंसी में वो पढ़ता था, नहीं खत्म कर पाता, इसलिए बहुत सारे बच्चों का जो कि रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर रहे थे उनका स्कोर कम भी आया था सितंबर वाले जेई मेंस में, और उसका असर एडवांस वाले एग्जामिनेशन में भी दिखा था। मेरा इस वीडियो से केवल एक तात्पर्य है कि जो 2020 में चीजें हुई थी एजुकेशन के साथ, वो रिपीट होती हुई मेरे को 2021 में दिख रही है, क्योंकि केसेस और लॉकडाउन दोबारा आता जा रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन तो अभी बंद हुआ ही नहीं है और एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका स्कोर कार्ड खत्म आए तो आपको पढ़ना पड़ेगा चाहे कैसी भी करके, और इसके अलावा मेरे पे कोई रास्ता नहीं है आपको सजेस्ट करने के लिए। आप इफेक्टिव वेज कैसे डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव वीडियो है, मैं उन्हें पर्सनली यूज़ करता हूँ टिप्स को। तो हमें पढ़ता रहना पड़ेगा ऐसे ही ऑनलाइन मोड में, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इसके अलावा कोई रास्ता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छे से लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम डालते रहते हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री है। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को रैप अप करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।